नमस्कार दोस्तों, ऑटो ट्यूबर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है मारुति की सबसे सेफेस्ट कार, इनफैक्ट ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में सबसे सेफ रही है, और साथ ही साथ इस प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छी कार आपको नहीं मिलेगी। और टोटल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये विटारा ब्रेजा का बेस मॉडल है। इससे अच्छा मॉडल आपको अभी तक नहीं देखने को मिलेगा, और इनफैक्ट मैं अगर कंपेयर करूंगा इस मॉडल को इस सेगमेंट में आने वाली किसी भी कार से, इवन नेक्सॉन, सोनेट और वेन्यू वगैरह में भी इस प्राइस सेगमेंट में आपको इतनी सारी चीजें ऑफर नहीं होती हैं। और जो सेल्स वगैरह ना भाई, इसीलिए इस कार की अभी भी मस्त बनी हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इस कार के वॉक अराउंड वीडियो की, और चला के देखेंगे कैसी चलती है कार। सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट के वॉक अराउंड की, तो यहां पे आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, और बेस वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि काफी सही फीचर है। यहां पे हैलोजन हेडलैम्प की प्लेसमेंट दी हुई है, और सामने ये मारुति की ग्रिल मिलती है जो कि टिपिकल मारुति की टाइप की है, ब्रेजा में पहले भी आती थी ग्रिल। और यहाँ पे भाई बेस वेरिएंट में तीन इंडिकेटर मिलते हैं, मतलब ये इंडिकेटर्स हैं, तीनों एक साथ जलते हैं। और इसमें यहाँ पे आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट दी है, बेस वेरिएंट में फॉग लैम्प नहीं आते हैं, आप वहाँ से लगवा सकते हैं। जो जो चीज़ें इस वेरिएंट में नहीं दी गई है ना, वो बाहर से लगवाई जा सकती हैं। और एक मेन फीचर मैं बताऊंगा जो इस प्राइस सेगमेंट में, सॉरी, इस कार को डील ब्रेकिंग बनाता था, अंदर जो पीछे वाली सीट में है इसका हेडरेस्ट वो नहीं आता है इस वेरिएंट में, तो उसे भी भैया ने लगवा रखा है। सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। सामने का लुक हो गया, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, इसमें नहीं आता है। और यहाँ पे इसकी हॉर्न की प्लेसमेंट दी हुई है। सामने का लुक कुछ इस कार का ऐसा है। बात करें इसके साइड के लुक के बारे में, साइड का लुक भी भाई टॉप मॉडल और बेस मॉडल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एलॉय व्हील्स का फर्क समझ में आएगा। टायर की बात करें तो इसमें आपको 205 R16 इंच के स्टील वाले व्हील्स मिलते हैं, तो बेस वेरिएंट में क्या ही चाहिए, आपको सारी चीजें मिलती हैं। और भाई साइड में बेस वेरिएंट से ही टर्न इंडिकेटर दिखता है, मिल जाएगा आपको, लेकिन ये ना ये मैनुअली फोल्डेबल है, तो ऑटोमेटिक आप लगवा सकते हैं, 10-12 हज़ार रुपए के नए आते हैं। और ये इसका कुछ साइड का लुक भाई काफी सही है, वेल प्रोपोर्शन कार दिखती है, थोड़ा बॉक्सी स्ट्रक्चर जिसे पसंद है उसे ये कार पहली नजर में पसंद आएगी। बात करते हैं इसके पीछे के बारे में। पीछे यहाँ पे आपको हाई माउंटेड टेल लैम्प मिलेगा, यहाँ पे आपको जो एलईडी टेल लैम्प है, और भाई पहले वाली ब्रेजा की लाइट उतनी शानदार नहीं थी, लेकिन नई वाली ब्रेजा की लाइट काफ़ी शानदार है भाई, मज़ा आ जाती है इसमें। और ब्रेजा का लोगो ऐसे दिया हुआ है। ये नीचे स्किड प्लेट है, और चार पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको इस सेगमेंट में। और ये था कुछ इस कार का पीछे का लुक। बढ़ते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। ये है इसकी कुछ की, जिसमें लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है, अनलॉक आप इसे कर सकते हैं, अनलॉक हो गई। और बैठते हैं इसके अंदर, अंदर बैठने से पहले मैं आपको दिखा दूं इसका डोर कुछ ऐसा मिलता है, जिसमें ये पावर विंडोज के कंट्रोल चारों बेस वेरिएंट है उसमें चारों पावर विंडो दिए हैं, बहुत सही फीचर है। सेंट्रल लॉकिंग वगैरह मिल जाती है, और जो मिरर्स हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। एक बार मैं की लगा दूं, और की यहाँ पे इल्यूमिनेटेड दी हुई है फॉब जो है, और ये है एडजस्ट हो जाते हैं यहीं से। तो आपको एक मैनुअल स्विच बस चाहिए, जिसे ये ऑटो फोल्ड वगैरह भी हो जाएंगे शायद, उससे काम हो जाएगा। और देखें, बढ़ते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ, कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील मिलता है। ये कंपनी से एसेसरीज का पार्ट है, स्टिचिंग बीच में कुछ ऐसा, इसका मीटर मिलता है। और भाई सबसे अच्छी बात इस कार की, माइलेज देखो इसका, फर्क ही नहीं पड़ता यार इसे कि पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि क्या। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा म्यूजिक सिस्टम मिलता है, म्यूजिक सिस्टम की आवाज सुनाओ। तो भाई काफी सही म्यूजिक सिस्टम भी है यहाँ पे, आपको जो इस इवेंट्स हैं वो दिए हैं। सिल्वर फिनिश यहाँ मिलेगी, सिल्वर फिनिश इनफैक्ट सीट कवर में भी मिलेगी, और सिल्वर फिनिश चारों तरफ दी हुई है। और ये इसका कुछ सेंटर कंसोल, यहाँ आपको जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो मिलेंगे, एसी के बटन, यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको चार्जर और ऑक्स वगैरह की प्लेसमेंट दी है, यहाँ पे आप फोन रख सकते हैं अपना। ये इसका कुछ गियर नॉब, बेस मॉडल में कुछ ऐसा ही गियर नॉब आता है, और ये हैंड ब्रेक। और मैं बताऊँ जो सेंटर कंसोल आप देख रहे हैं, ये आर्मरेस्ट एसेसरीज में लगवाए हुए हैं इनने, तो मैं पूछूंगा भैया से कितने का पड़ा हुआ है ये आर्मरेस्ट। और यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता है, टॉप वेरिएंट में आता है। यहाँ पे इसका कुछ ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, ये इसका है डे नाइट मिरर, यहाँ पे आपको शेड मिलता है, और यहाँ पे भी आपको शेड मिल जाता है, और यहाँ ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए हुए हैं। सीट्स कवर कंपनी से फिटेड आते हैं, तो काफी सही फिटिंग है इनकी भी। और बैठते हैं इस कार के पीछे, और जिसकी सीट्स है वो केवल आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं आप, बैठे इस कार के पीछे। तो वही पीछे वाला डोर कुछ ऐसा दिया है, और ये है इस कार की कुछ सीट्स। अगर बैठे इसके अंदर तो जो कंफर्ट है वो बहुत सही है भाई,
कोई इशू नहीं है कंफर्ट में, लेग सपोर्ट वगैरह, थाई सपोर्ट वगैरह सब सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और जो भाई मेन बात जो बेस वेरिएंट को लेने से लोगों को रोकती है वो है यहाँ हेडरेस्ट। बेस वेरिएंट में हेडरेस्ट नहीं आते हैं, लेकिन भैया ने आफ्टर मार्केट हेडरेस्ट लगवा चुके हैं, ये देख लीजिए। और जो लिटरली बिल्कुल भी नहीं फील होते हैं कि ये आफ्टर मार्केट है, मतलब ऐसा लगता है कि कंपनी से ही लगवाए गए हैं, तो काफी सही चीज है। भैया से पूछेंगे कितने में लगवाया भैया ने। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, ये था एक वॉक अराउंड वीडियो ब्रेजा के ZXI, ब्रेजा के LXI वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है उसका। और मैं अगेन बता दूं आपको, इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है। आप केवल 10-12 हज़ार रुपये बाहर से खर्चा करिए, ये लगवा लीजिए, पार्सल ट्रे लगवा लीजिए, आर्म रेस्ट लगा लीजिए, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको बाहर मिल जाते हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है इसका। और इस सेगमेंट में आप क्या लेंगे, सेडान लेंगे, मैं बात करूं स्विफ्ट डिजायर वगैरह आती है, स्विफ्ट का टॉप मॉडल आएगा 8.5 लाख रुपए में। 8.5 लाख रुपए में मेरे हिसाब से कुछ नहीं आता है, सबसे शानदार है ये वेरिएंट। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका क्या सोचना है विटारा ब्रेजा के बेस वेरिएंट के बारे में? स्पीकर्स वगैरह भी 4 आते हैं, ट्विटर्स भी मिल जाते हैं, तो काफी सही चीज है। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, अपनी राय इस कार के बारे में कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।